दोस्तों, हम सभी अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमारी पार्टी, हमारे कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग में हमें अंग्रेजी में बातचीत करना पड़ता है, और ऐसे में कई ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी से बात नहीं कर पाते। उनको ये दिक्कत आती है और उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, जबकि ये बहुत आसान है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। आइए मैं कुछ बेसिक रूल के बारे में बात करता हूँ, जिनको अपना कर आप अपनी लाइफ में इन दिक्कतों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है माइंडसेट की। अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे हिंदी आपकी भाषा है या बंगाली आपकी भाषा है, वैसे अंग्रेजी भी एक भाषा है जो आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि मुझे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है और मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा, आपको अगर अंग्रेजी के साथ जो भय है, जो लोग नहीं सीख पाते, नहीं बोल पाते, उनके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो उनका फियर फैक्टर, कि मैं जब तक इन चीज़ों का, इसका ग्रामर, इसकी वोकैबुलरी नहीं समझूंगा, तब तक मैं इसके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को जानने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं और भाषा के इस डर को ख़त्म करना चाहते हैं, अंग्रेजी के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मार्केट से इंग्लिश में कुछ कॉमिक्स लेकर आइए। जैसे चाचा चौधरी की इंग्लिश में कॉमिक्स हैं, बिल्लू, पिंकी, टिंकल और तमाम इस तरह की कॉमिक्स हैं, आर्ची की कॉमिक्स हैं, इनको ले आकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसके साथ चित्र बने होते हैं, इसके फिगर्स होते हैं, और फिगर्स को देखते हुए हम कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, और हमें अंदाज़ा लग रहा है कि जो कैरेक्टर इंग्लिश में बात कह रहा है उसका मतलब क्या हो सकता है या इसके क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो आपका इंग्लिश के साथ एक गैप है, एक जो फियर है कि ये एलियन लैंग्वेज है, ये एक अजीब सी विदेशी भाषा है और हमने कभी इसको नहीं पढ़ा, वो धीरे धीरे आपका गैप खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है आपके दिमाग में धीरे धीरे वो शब्द जगह बनाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आगे चलकर उन शब्दों का इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है कोई भी एक बेसिक नॉवेल पढ़ लेना, जैसे जो सिंपल से नॉवेल हैं, पतले नॉवेल्स आते हैं, आप अगर उसमें देखेंगे चेतन भगत के, रविंद्र के नॉवेल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट अंग्रेजी नहीं लिखी हो, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, बहुत ही आजकल इंडियन राइटर्स बहुत ईजी इंग्लिश लिख रहे हैं, आप उसको जो है वो लेकर आ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, मालगुड़ी डेज हो गया या तमाम इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उससे आपको कैरेक्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप जो और भी प्रभावशाली है, आज के समय में कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों वर्जन अवेलेबल है, यानी वो किताब इंग्लिश में लिखी गई है उसको हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है, जैसे नंदन लिनेकनी की रिबूटिंग इंडिया, या अगर कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार जल्दी से उसका हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए। हिंदी वर्जन पढ़ने से वो कहानी पूरी तरह से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी कहाँ क्या है। जब आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी का कैरेक्टर क्या कह रहा है और ये कहाँ जा रहा है। ये तीन तरीके हुए। चौथा तरीका हो गया इंग्लिश सबटाइटल के साथ मूवीज़ देखना, अच्छी मूवी, ऑस्कर मूवी, जिनका एक उद्देश्य हो सकता है, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, तमाम मोटिवेशनल मूवीज़ आती हैं उनको आप दे सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ हो। इसका फायदा ये होगा जो कैरेक्टर बोलता चला जा रहा है और इंग्लिश सबटाइटल आप उसको देखते चले जा रहे हो, धीरे धीरे वो कुछ समय निकाल कर वो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा, वो आपके समय के साथ चला जाएगा। आप ये नोटिस करके देखना कि अगर एक हफ्ते आप जिस भी भाषा की पिक्चर देखते हैं, आप चाहे पंजाबी देखें या कुछ समय बाद जो बेसिक आपके शब्द होते हैं वो समझ में आने आपको शुरू हो जाते हैं, वो आपके दिमाग में पैटर्न बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इंग्लिश सबटाइटल की जब आप मूवी देखते हैं तो उससे आपको भाषा के साथ जोड़ने का एक ज़बरदस्त मौका मिलता है। ये जो आपका इंग्लिश सबटाइटल मूवीज हैं, जो आपका एक ब्रिज गैप था जहां पर आप इंग्लिश के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे, वहां पर आप जाकर जुड़ जाते हैं। पांचवा स्टेप और महत्वपूर्ण है, कुछ बेसिक किताबें हैं जो सामान्य भाषा में लिखी गई हैं, जिनका अध्ययन करके आप जो ग्रामर या जो आपका बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको आप सही कर सकते हैं। उसी में से एक किताब का नाम है सलाम चाउस। सलाम चाउस की ये किताब दो पार्ट में आती है। पहला पार्ट आपको अनुवाद के बेसिक नियम सिखाती है, हिंदी में लिखी गई किताब है, जो अगर इंग्लिश नहीं जानते वो इस किताब को कर सकते हैं, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ग्रामर और वोकैबुलरी के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जहां आपको समझाया जा सकता है कि एक बिगिनर कैसे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये छोटी सी पतली सी किताब दोनों पार्ट की आपको काफ़ी हेल्प करेगी बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में। ये हो गया पांचवा बिंदु। अब छठे बिंदु के बारे में बात करें। छठा बिंदु और महत्वपूर्ण है, शुरुआत करने से होती है। शुरुआती दौर में जो बच्चों को दिक्कत आती है, दो तरीके की दिक्कत आती है, वो ये कि हम
कभी भी हिंदी के कई शब्द होते हैं जिनका अंग्रेजी मतलब नहीं जानते। दूसरा, अगर हमें मतलब पता भी होता है तो हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना नहीं कर पाते। हमें ये नहीं पता होता है वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है या एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, हमें जो है वो किस तरह के प्रपोजिशन कंजक्शन कहाँ इस्तेमाल करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम वो बात नहीं कह पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप एक शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अगर आप आज कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो जो बेसिक वर्ड हैं, जो डेली यूज करने वाले वर्ड हैं, उनकी इंग्लिश आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आज मैं भू आकृति विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं, तो आप इसको बेसिकली जो है वो भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी अध्ययन यानी स्टडी, तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहा हूं, मैं जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहा हूं, तो आपने अपने हिंदी के शब्दों को रिप्लेस करके उसकी जगह इंग्लिश के शब्दों को धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया। आज मेरा विषय जलवायु विज्ञान है, तो क्लाइमेटोलॉजी मेरा आज स्टडी का पर्पज है, तो उद्देश्य की जगह आपने पर्पस इस्तेमाल किया, जलवायु विज्ञान की जगह क्लाइमेटोलॉजी इस्तेमाल किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो मेरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे जो हिंदी के शब्द हैं उनको मैं रिप्लेस करता जा रहा हूं। ये एक प्रक्रिया है 2 से 3 महीने में, जो पहले शुरुआत में एक सेंटेंस में आप एक वर्ड को जो रिप्लेस करेंगे, फिर 2, 3, 4, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगला स्टेप मुझे सिर्फ ग्रामर इसमें देना है, मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, बाकी चीजें मेरी पूरी हो चुकी हैं। ये जो चीज है, ये आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अपने साथ हमेशा एक छोटी सी डायरी और एक पेन रखिए। जब भी कोई नया शब्द आपके सामने आ रहा है जिससे अभी तक आप परिचित नहीं है, उसको आप रख लीजिए। ये केवल 2 या 3 बार बोलने का खेल है, आप इसको बोलेंगे, 1-2 बार प्रोनाउंस करेंगे, ये अपने आप आपके शब्दावलियों में शामिल होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है और आपका ये डर यहां पर खत्म होगा। तो धीरे धीरे शुरुआत में लोग आपका उपहास करेंगे कि अरे ये कैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, बड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है, पर ये तो आपको बहुत बेसिक नियम पता होगा कि संसार में लोग जब जिनका उपहास उड़ाते हैं या वो जो जिनका उपहास किया जाता है वही आगे चलकर इतिहास लिखते हैं, तो उपहास वाले ही इतिहास बनाने का कार्य करते हैं। तो आज आप जहां खड़े हैं, जहां अंग्रेजी का आपको डर लग रहा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, उसके बाद निकलकर आप आसानी से अंग्रेजी में बोल सकेंगे और बात कर सकेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसके पश्चात अंतिम जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि आप 2 से 3 महीने तक किसी अपने आसपास किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत आवश्यक होता है, आज के समय में गुरु की महिमा को थोड़ा डाउन किया गया है, लेकिन अगर आप आसपास कोई भी आपका टीचर है जो इस डर से आपको निकाल सके, अंग्रेजी मात्र आपका एक डर है कि पता नहीं मेरे पास वो स्ट्रक्चर नहीं, लोग मेरा उपहास ना करें, मेरा मजाक ना उड़ाएं, तो ये जो टीचर है आपका वो बेसिक फंडामेंटल नियम आपको बता देगा, जो चीजें हैं वो आपको सामने रख देगा, और 2 से 3 महीने बाद आप अंग्रेजी के उन शब्दों के साथ परिचित होना शुरू हो जाएंगे, एक बेसिक ग्रामर के साथ परिचित हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो संरचना है शब्दों की उसके अंदर वो अंग्रेजी के शब्द अपने आप आते चले जाएंगे। और ऐसा कह के इन जो स्टेप्स हैं इसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी सभा में कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात कर सकेंगे। तो दोस्तों, आगे एक अच्छा वक्ता कैसे बनना है, लोगों को संबोधित कैसे करना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे ऑप्टिमम रखना है, इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आज जो मैंने नियम बनाए हैं उनको फॉलो करिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप में दम है और आप दुनिया के सामने जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, जो अंग्रेजी आप जो है बात करना चाहते हैं, वो आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं और दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स रॉक द वर्ल्ड और दुनिया को आप करके दिखा दीजिए। धन्यवाद।